मांगलिक वर्ड आया है दो साम्य से दोषा साम्य गुण मिलान करते हैं हाँ। साउथ इंडिया में दोष मिलान भी करते हैं वो तो जो दोष मिलान है उससे वर्ड निकला है मांगलिक मंगल जहाँ बैठा है वहाँ कुछ ना कुछ एग्रेशन देता है वो एग्रेशन बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब तो मंगल खराब हो गाइडेंस के लिए लोग कम आते हैं सॉल्यूशंस के लिए ज्यादा आते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इन सॉल्यूशंस का कोई फायदा नहीं होता दुनिया में 25 परसेंट से ज्यादा लोग मांगलिक होते हैं ओह अच्छा ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमे नेगेटिव योग ना बनते काल सर्प दोष एग्जिस्ट ही नहीं करता एज पर पराशर होरा शास्त्र एज अ वर्ड ये जरूर लिखा है कि राहु की कुछ प्रॉब्लम्स है केतु की कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन ये जो वर्ड है काल सर्प ये पराशर होरा शास्त्र का वर्ड नहीं है तिथि और नक्षत्र उपाय ये क्या चीज है लड़के दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं मनी एंड सेक्स एंड मेल लोग तो गलत एस्ट्रोलॉजर के पास है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस अब मैं अपनी पी आर टीम एक बिठा दू तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो वो सुनना चाहते हैं उनको सुना दू और जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर रहे हैं उनके पास ज्यादा भीड़ नहीं है पता कैसे चलेगा एक एस्ट्रोलॉजर असली है या नकली है पैसे छापने के लिए चीजें कर रहे हैं नमस्ते मेरा नाम अजय और यह है दा मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की आज के हमारे गेस्ट सेकेंड अपियरेंस कर रहे हैं इस चैनल पे इनका नाम है मिस्टर राजन खिल्लन राजन खिल्लन जी एक बहुत ही उमदा किस्म के एस्ट्रोलॉजर है इनफैक्ट ये कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के गुरु भी है पिछले बार जहाँ हमने इनसे नक्षत्रों के बारे में बात की थी आज भी हम उसी सेम टॉपिक पे बात करेंगे बट और भी ज्यादा डीप डाइव करेंगे इन नक्षत्रस। नक्षत्र क्या क्या होते हैं इनका हमारे लाइफ में रोल होता है इनसे हम क्या सीख सकते हैं हमारी लाइफ के बारे में ये क्या बताते हैं ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पे हमने बात की और आपके लिए इस कॉन्वर्जेशन को सामने लाया है आई होप सो इस कॉन्वर्जेशन से आपको कुछ नया सीखने मिलेगा सो लेट स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन इन थ्री टू वन पूजा करते हो नहाते हो दोते हो, hmm. आठ बजे ऑफिस चले जाते हो शाम को छ बजे वापसी आते हो फिर नहाते हो पूजा करते हो खाना खाते हो hmm. टीवी देखते हो बच्चों के साथ टाइम टाइम स्पेंड करते हो, के करते हो, वाइफ सो जाते हो. अब आपकी शादी किसी के साथ हो जाती है जो सोता ही शाम को चार बजे hmm. तो उठेगा कितने बजे दोपहर को तो hmm. दो बजे तो ये क्या शादी सस्टेन कर पाएगी नहीं दोस, और दोस, लेकिन दो पार्टी एनिमल्स हैं क्या उनकी शादी आपकी किसी पार्टी एनिमल से शादी हो जाए क्या दो पार्टी एनिमल्स की शादी सस्टेन कर जाएगी शायद हाँ, कर जाए क्योंकि सेम इंटरेस्ट है सेम इंटरेस्ट है ये कॉन्सेप्ट है मामले ओके बट इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करिए ताकि थोड़ा क्लियर और हो जाए एक वर्ड मांगलिक वर्ड आया दो साम्य से दोषा साम्या गुण मिलान करते हैं साउथ हाँ। इंडिया में दोष मिलान भी करते हैं वो जो दोष मिलान है उससे वर्ड निकला है मांगलिक हाँ। मंगल जहां जहा है, बैठता है वहां कुछ ना कुछ एग्रेशन देता है है वो एग्रेशन बुरा भी हो सकता अच्छा भी हो सकता है लेकिन अग्रेशन देता है जिसका टेंथ हाउस में मंगल बैठा होगा उसको हमने वर्क के प्रति कंपटीशन के प्रति एग्रेशन होगा वो अच्छा एग्रेशन हो गया लेकिन जिसका फर्स्ट हाउस बैठा होगा 12th हाउस में बैठा होगा 7th हाउस में बैठा होगा 8th हाउस में बैठा होगा और 4th हाउस में बैठा होगा इन चार पांच घरों में जब मंगल बैठता है तो स्पॉउस के खिलाफ एग्रेशन गलत वर्ड्स बोलने लेकिन ये भी तब होगा जब मंगल नीच का या खराब है हम्म hmm. और अगर दोनों की सेम क्वालिटी आ गई तो वो कहते हैं शास्त्र कहता है कर दो ओके okay. करनी तो है ही हम्म कर दो राइट hmm. मतलब एक दारू पी रहा है दूसरा दारू पी रहा है कर दो Hmm. तो एक रिस्पेक्ट नहीं कर रहा दूसरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कर दो hmm. तो शास्त्र ने एक इसको शास्त्र ने खुद ही रेमिडी दे दी कि दो साम्य करना है ठीक है लेकिन मांगलिक वर्ड जो है ना ये ज्यादा उभर के आने लग गया क्योंकि okay. तो ये वर्ड में मांगलिक काल सर्प hmm. सती, गुरु चंडाल इन इन वर्ड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ड्स इतने हैवी हैं कि सामने वाला डर जाता है ओके okay. और ये एस्ट्रोलॉजर के ब्रेड बटर साबित होते हैं बाद में हुँ. तो ये वर्ड ज्यादा बढ़ गए पर अब, अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बहुत डरते हैं इस शब्द से मांगलिक से कि मतलब मांगलिक है तो शादी कैसे होगी मांगलिक है तो अगर आपका मंगल उच्च का है हुँ. या अच्छी राशि में है और आपका लगन मंगल का फ्रेंडली है जैसे सिंह वृश्चिक मकर मेष ये चार राशियों में आपका इन चार लग्नों में आपका मंगल भी अच्छी राशियों में बैठा हुआ हु है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती okay. बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब मंगल खराब हो साढ़े साथी में बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब शनि खराब हो मंगल उच्च का या ठीक है और नॉन मांगलिक और मांगलिक की शादी हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती okay. लेकिन अगर मंगल ही नीच का है या उसमें कोई ऐसा दोष है

बर्गर के बेट से शादी कर लो तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट किसी ने सोचा जरूर होगा गाइडेंस के लिए ज्यादा आते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इन सॉल्यूशंस का कोई फायदा नहीं होता ओके okay. आपके एक्सपीरियंस में अभी तक कोई क्लाइंट आए पास दुनिया में पच्चीस से ज्यादा लोग मांगलिक होते हैं. ओ, अच्छा पच्चीस का तीस देखो लॉजिक है एक दो तीन चार पांच बारह में से पांच घरों में मंगल मांगलिक माना जाता है तो पच्चीस तीस नहीं चालीस परसेंट लोग मांगलिक होते हैं क्योंकि बारा में से पांच तो है ही है छह में पचास हो गया तो पांच में अप्रोक्सीमेटली चालीस परसेंट मांग तो मांगलिक क्लाइंट कितने होंगे राइट लेकिन मांगलिक <coughs> क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं होती जब मैरिज टूट रही होती है तो बंदा मांगलिक देखता है Hmm. ऐसी बहुत मैरिज चल रही है जिसमें मांगलिक है गुरु चंडाल दोष है काल सर दोष है और वो चल रही है भाग रही है okay. लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो बंदा हर चीज को पोस्टमार्टम करना आसान है लेकिन पोस्टमार्टम करने से पहले ये बताना कि ये प्रॉब्लम आएगी वो मुश्किल है प्रेडिक्ट hmm. करना Predict, या उसको गाइड करना hmm. तो पोस्टमार्टम तो कोई भी कर देगा राइट right. कुछ भी बोल देगा ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें नेगेटिव योग ना बनते हो हम्म तो बाद में पोस्टमार्टम करना सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष पर अच्छा काल सर्प दोष होता क्या है जब राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स होते हैं ओके मेरा पर्सनल ये मानना है मानना नहीं है सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया मानना है काल सर्प वर्ड पराशर होरा शास्त्र में जैमिनी वर्ड ही मेंशन हुआ हुआ अच्छा तो ये आया कहाँ से फिर रेड बटर एस्ट्रोलॉजर के बच्चे हैं जिनको आईफोन <laughs> चाहिए एस्ट्रोलॉजर की भी तो गर्लफ्रेंड हो सकती है <laughs> <Red Butter>. <laughs> <laughs> सर, आ, काल <laughs> दोष नहीं करता एज पर पराशर हो रहा शास्त्र एज अ वर्ड ओके <laughs> okay. ये जरूर लिखा है कि राहु की कुछ प्रॉब्लम्स है केतु की कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन ये जो वर्ड है काल <laughs> सर्प ये पराशर शास्त्र का वर्ड नहीं है अच्छा मे लाल किताब का हो लेकिन पराशर ओरा शास्त्र का वर्ड नहीं ओके लाल किताब क्या है एक पद्धति है जिसको मैं नहीं मानता ओके क्योंकि मुझे ये नहीं पता वो कौन से ऋषि ने लिखी है वो एक बुक है कहते हैं वो नॉर्थ इंडिया में चलती है साउथ इंडिया में केपी चलती है नॉर्थ इंडिया में लाल किताब चलती है लेकिन द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स इस पर मतलब मेन जो सोर्स है वो वही है अब मान लो कि मैं कल को एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन जाता हूँ और मैं लिख दू राजन ज्योतिषी तो राजन ज्योतिषी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती मेरे को अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करना है वो एक अलग बात है लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज इक्वल टू पराशर ऋषि ओके जैमिनी भी अपनी बुक में बोलता है कि मैं पराशर ऋषि की इम्प्लीमेंट की हुई चीजें बता रहा हूँ अपने तरीके से ओके okay. तो केपी भी कोई कहीं से सीख के नहीं आए उनका भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही है नाड़ी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक अंश है लेकिन एक मेल वो होती है ना कि मैं ही बलवान हूँ <laughs> मेरे पास ही ज्ञान है अब मैं इसका अपना टैग ट्रेडमार्क लगा लू राइट right. ये ट्रेडमार्क की ज, जड़ की वजह से बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग नामों से आ रही है तो जब हम मतलब जैसे अभी आपने कुछ सेकंड पहले कहा कि एस्ट्रोलॉजर की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो जस्ट एक फन है। में नहीं है, उसका भी होगा, उसका बेटा भी मरेगा उसकी बेटी भी मरेगी हुँ. उसका काम भी नहीं चलेगा वो कुछ कर भी नहीं पाएगा ओके और अगर उसके भाग्य में होगा तो उसको सब मिलेगा तो कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो उस चीज को अगर नहीं लिखा है तो मैनेज कर सकते हो अट्रैक्ट कर सकते हो भगवान से मांग सकते हो मेहनत कर सकते हो उसके लिए लेकिन इसे वर्ड यूज करना कि मैंने किया है मैंने अट्रैक्ट किया तभी हुआ है मेरे साथ ये वर्ड ही गलत है तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बहुत सारे लोग करते भी है बहुत सारे लोग तो वो क्या चीज होती है अब कुछ नया करेंगे तभी तो लोग आएंगे <laughs> ओके। कुछ नया करेंगे हमारे वेस्ट दिल्ली में ना सुशी को ना तंदूर में डाल दिया जापान के बंदे कितने कितना बंदेड फील कर रहे होंगे <laughs> को तंदूर में डाल दिया है। right. एक तंदूरी सुशी एक तंदूरी मोमोज राइट right. आप समझ रहे हो किसी दिन चौमिन को तंदूर में ना डाल दे <laughs> तंदूरी पास्ता ना बना दे <laughs> एक, तो एक, एक रेस्टोरेंट है वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन वो मटन सर्व करता है और चिकन सर्व करता है डोसे की फिलिंग में अच्छा तो कुछ भी हो रहा है दुनिया में आप भटूरे के साथ दाल मखनी खा सकते हो बिल्कुल नहीं नहीं खा सकते लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने इन्वेंट किया तो उसने इन्वेंट नहीं की उसने कुछ अलग करने की कोशिश की चल गई चल गई नहीं चली नहीं चली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है कुछ मंत्र भी हैं उसके लिए एक क्लीम मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उसे बहुत ही इस्तेमाल करना होता। hmm. हर चीज right. रिस्पॉन्सिवली कर रहे हैं न, ये खुद के लिए न, वो क्या कहते हैं, hmm. hmm. हैं ना मैं क्रिस्टल ये हीलर हूँ मैं वो हीलर हूँ उन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है क्वेश्चन मार्क ओके यार आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो hmm. अगर हीलिंग हो रही है तो आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो राइट मूल नक्षत्र की हमारे सर पूजा करते थे जब वो पूरे ध्यान से पूजा करते थे ना मिनिमम उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था ओके। okay. या गाड़ी पंचर होती थी मिनिमम hmm. सोचो कोई बड़े दोस्त की पूजा करेंगे तो क्या होगा जी ये तो मतलब काफी फैसिनेटिंग चीज है क्योंकि आजकल जितना मैं देख रहा हूँ स्पेशली सोशल मीडिया पे हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बेसिस पे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स है हाँ, यार बड़ी सिंपल सी बात होता है मैं ये बोलूं कि मैं आपको सक्सेसफुल बनाऊंगा तो आप मेरे पास आओगे हम अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको गाइड करूंगा और मैं बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करूं यार जो आप कह रहे हो मैं मतलब वो हो नहीं पाएगा तो आप आओगे मेरे पास मेरे पास एक लड़का आया था कहता, Sir, अगर मैं किसी तो तो उन्होंने आपसे पैसे निकलवाने hmm. okay. कभी भी उपाय के नाम के पैसे नहीं लेता hmm. बहुत ही रेयर रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस कोई हो तो अलग बात है

वो मेरे क्लाइंट का आगे भाई था okay. कजन ब्रदर वो कहता भैया वो शादी हो गई है गुड कह भैया वो अब मैंने कुंडली देखो हम दोनों की मैच करो मैंने कहा मैच होती है लेकिन तेरी को तेरा तो एक लव मैरिज के चांसेस लग रहे थे या कोई लव अफेयर था कहता नहीं एकदम तो उसने रिजेक्ट कर दिया है, कर ले अठारह में उसने मेरे से बात की तब मैं बहुत वो नहीं एस्ट्रोलॉजर तो मतलब पेड एस्ट्रोलॉजर तो नहीं था मतलब आई वो लर्निंग प्रोसेस में था तब उन्नीस में मैं हो गया था मैं कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी उन्नीस में फिर वो कहता भैया वो शादी हो गई अब बेबी कंसीव करना है और गायनी ने मना किया मेरी वाइफ को कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी मैंने उसकी वाइफ की कुंडली देखी मुझे ऐसा कोई दोस्त नजर ही नहीं आया मैं क्या सेकंड ओपिनियन ले लो तो वो कहता नहीं सर घर की गाय नहीं है मेरी सिस्टर की वो है मैम मैटर मैम सेकंड ओपिनियन ले नहीं सकते आप समझ नहीं रहे बात ये है वो है वाई जेड और जब आपको सामने वाला ये कह देगा मैं बोलूँगा तबीयत ठीक है सामने वाला कहेगा कैंसर की रिपोर्ट आ गई है तो आप क्या करोगे आपको माननी पड़ेगी ना वो बात ज़बरदस्ती मैं क्या ट्राई करते रहो लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है कंसीविंग में फिर दो तीन महीने बाद आ गया आता रहता था कहता सर हमने डिसाइड किया हम बच्चा अडोप्ट करेंगे मैं अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता था मैं क्या आई वी एफ ट्राई कर ले कहता नहीं कह रहा एक बच्चा है राजस्थान में उसको अडोप्ट करूँ मैं ओके कह रहा बच्चे कुंडली लेके आ रहा हूँ कहता नहीं मैं फ़ोन में मंगवा लूंगा उसका पंद्रह मिनट में फोन में उसने कुंडली मंगवा ली मैं कह रहा अडॉप्ट कर ले लेकिन

तू अपने आप को ब्लेम कर रहा हो सामने वाले की कोई गलती हो फिर जब मैंने उसके बच्चे की दोबारा कुंडली देखी तो अपने सीनियर से रेक्टिफाई वगैरह हो तो उन्होंने कहा तू ठीक कह रहा है वो बच्चा उसी का था उसका शादी से पहले अफेयर था अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ ओके okay. वो प्रेग्नेंट हो गई थी वेल ऑफ फैमिली थी तो वो जो कंसीव नहीं हो रहा था वो उसी में भी इन्होंने कुछ किया होगा ये कुछ कर ही नहीं रहा था तो कंसीव okay. कैसे होगा मतलब कंसीविंग का ध्यान रख रहा था हम्म hmm. और गायनी का भी इसने पटाया हुआ था बाप रे <laughs> और उसके बाद कंसीव हो गया सेकंड बेबी भी hmm. हम्म पहला बच्चा अडॉप्टेड है मां okay. को ऐसा लगता है इसके बाद आपने कभी बताई उन्हें कि आपको पता चला चला ऐसा उसके भाई ने मुझे बताई उसे okay. अच्छा हाँ मतलब कहीं से तो आपको पता चला होगा राइट

वो कर, मैंने कहा तू तो कम से कम ना इंश्योरेंस करा ले हेल्थ इंश्योरेंस विद ऑल द क्रिटिकल डिजीज और क्या कर सकते हैं और बाकी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाता रहा उसको कोलन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मतलब डोमिनल एरिया में उसको ब्लड कैंसर हो गया बाप रे तो गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है मैदानता तो वहाँ उसका बिल आया था ग्यारह लाख पैंतालीस का एक पूरे साल का बिल था और उसने दस लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ था जिसमें उसको नौ लाख रुपए मिल गए थे ओके okay. अभी अंडर कंट्रोल्ड है ये एस्ट्रोलॉजी ने उसको फायदा दिया hmm. कि जहाँ उस टाइम दो तीन लाख का चार लाख का इंश्योरेंस करा रहा था उसको थोड़ा पुश किया पंप किया वो दस तक पहुंच गया hmm. तो उसका अब मतलब एक्सपेंसिज तो मीट हो जाते हैं जॉब भी कर रहा है जो भी कर रहा है तो राइट right. बट uh, कुंडली देख के पता चल जाता है मतलब की मृत्यु कब लिखी है या एटलीस्ट कैसे होगी वो Hmm. किसी को बताना करेक्ट है या गलत है ये चीज अगर कुछ अनटाइमली है तो गाइड करना अच्छी बात है ओके okay. क्योंकि आ, मुझे किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने जो शो पे आए थे उनका एपिसोड अब तक रिलीज नहीं हुआ है तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका बट उन्होंने मुझे कहा था कि टू व्हीलर चलाते वक्त मुझे थोड़ा संभल के रहना बिकॉज हो सकता है एक टर्न में लूंगा एंड वहाँ पे कोई बच्चा आ जाएगा या कोई जानवर आ जाएगा जिसकी वजह से मेरे एक्सीडेंट के चांसेस है तो ऐसी बातें सच में होती है बिकॉज मैंने तो उसे लाइटली ले लिया था उस वक्त हो सकती है okay. ओके मेरे साथ भी ऐसा हुआ हुआ है ओके okay. जैसे बताइए मैं हाईवे में था और नींद में था लेकिन मेरे को था कि मेरे को जल्दी पहुंचना है मैं दस सेकंड के लिए सो गया था ओके okay. हाईवे में गाड़ी एक्सीडेंट भी हुआ अच्छा लेकिन कुछ नहीं हुआ सर एक मुझे चीज़ पूछनी है आ, मुन्ना भाई में एक सीन था वो एस्ट्रोलॉजर के पास में वो विलेन बोमनी रानी विलेन था वो एस्ट्रोलॉजर के पास में बहुत ज्यादा कंसल्टेंट कंसल्टेंसी के लिए तो अब वो मूवी में तो दिख रहा था कि वो फेक एस्ट्रोलॉजर है बट uh, वो एस्ट्रोलॉजर उसे कुछ चीजें बताता था वो मान लेता था तो उसने बोला था कि आपकी बेटी का और इस लड़के का नहीं रिश्ता होगा तो मुन्ना भाई उसके सेकंड में क्या होने वाला है बोलता बोलता है है कि नहीं मुझे नहीं मुझे पता या कुछ तो बोलता है और मुन्ना भाई उसे थप्पड़ मार देते तो वो बोलता है कि ये कैसे नहीं तू बता पाया तो एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप के बारे में रिसर्च करता है कि उसके साथ में क्या होने वाला है और उसके लिए चेंज नहीं कर सकता करता तो है आई थिंक जो एक चीज जो मैंने आपसे सीखी आज ये दूसरा एपिसोड हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं दो एपिसोड्स में कि जो होना है वो तो होगा आप उसको मैनेज कर सकते हो अप सम लेवल बट जो लिखा है वो तो होगा ही पता कैसे चलेगा होनी थोड़ी बहुत। बट सर आज के में बहुत टफ नहीं है ये मतलब सब क्योंकि सबको चाहता भी नहीं टफ तो दूर की बात चाहते ही नहीं है लोग ये नॉलेज रखना बट ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी में सबको इंटरेस्ट है तो कुछ तो ट्रेड्स होंगे ना सब ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब आते हैं लेकिन सब किसी को बताते नहीं है सारे सेलिब्रिटीज आते हैं सारे क्रिकेटर्स आते हैं लोग परेशान आजकल ज़्यादा <laughs> और एक बात बताऊ उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा पांच साल की क्रिटिकल रिसर्च के बाद बता रहा हूँ लड़कियां ज्यादा परेशान है ओके okay. क्योंकि तो सोचती ज्यादा है वो तो लड़कियां ज्यादा परेशान है

Extra affairs, मतलब अपने की <laughs> इसके लिए भी आते बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ओके okay, जैसे की कोई एग्जाम्पल दीजिए इसका अगर आपके कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस हो इसमें देखो एक्सपीरियंस तो मैं क्लाइंट का नहीं बता सकता कुछ एथिक्स भी होते है हुँ. लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आजकल जो लोगों में स्ट्रेस है बे मतलब का कि मेरे पास बी हो इस बेटर की होंडा सिटी हो और फैमिली लाइफ सही चलती है मैं मनी के ऊपर चीज़ें हैं बैलेंस होना बहुत जरूरी है ओके okay. हाँ मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं वैसे ही हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए और लड़के जो आते हैं उनके क्या इश्यूज रहते हैं सबसे ज़्यादा लड़कों को कुछ नहीं चाहिए सेक्स और पैसे के अलावा ओके okay. उनकी दो ही जगह बातें मतलब बहुत कम लड़, लड़के होते हैं देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं अगर मैं अर्ली ट्वेंटीज में सक्सेसफुल हो जाता ना तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए होता सेक्स और पैसे के अलावा hmm. आज आई फील वेरी ब्लेस्ड कि कोई मुझे फोन करता है हेल्प के लिए और मैं उसकी हेल्प कर पाता हूँ hmm. पैसा अपनी जगह राइट हाईवे में मैं सो गया था दस सेकंड पंद्रह सेकंड के लिए और उठा तो ठीक था तो कुछ होता है ना लाइफ में राइट सबसे अच्छी कुंडली या बर्थ चार्ट बोल कि बहुत अलग है ये चीज देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात होता है मनी इंडेक्स अलग होता है सबसे अच्छी कुंडली वही है जो बंदा हैप्पी है

अपनी एक्स का नाम ले लिया <laughs> और वो डिप्रेशन में चली गई थी ओके okay. कहती इसकी बच्चों की मैं मैं मैंने इसकी जिंदगी में क्या नहीं किया hmm. और उसको वो बढ़ बड़बड़ाते बड़बड़ाते सपने में था या देवर इन मूड मुझे नहीं पता मैं hmm. ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकता लेकिन ओके okay. उस वजह से ऑलमोस्ट मेंटली सिक हो गई थी वाह मतलब इतनी छोटी सी चीज पे लोग इमोशनल होते हैं भाई हाँ मतलब उसने अपनी उसने जॉब छोड़ी थी अपने के के लिए हाँ मतलब शादी के बाद मैं अगर चीज हो रही तो मतलब, आई बहुत सारे लोग देखेंगे पर क्यों लड़कियां ज्यादा सफर कर रही है मतलब ऐसा क्या उनके कुंडली में हो रहा है या क्यों मतलब सिर्फ और कल्चर की वजह से क्योंकि इंडिया 40, का कल्चर है ना कि मतलब लड़कों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है अब तो इंटरनेशनल भी देख रहा हूँ ना ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल में भी अलग है कुछ सही 42, है 42 43 के बाद ना लड़की की ना वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है काफी और लड़के की इतनी कम नहीं होती राइट और जब आप कंपैटिबल नहीं होते तो आपको या तो जल्दी छोड़ दो या एक्सेप्ट कर लो ये जो बीच का होता है ना ये नहीं रखना चाहिए ओके okay. hmm. चलाओ मत उस चीज को ज्यादा जबरदस्ती चलाओ मत या एक्सेप्ट कर लो या जल्दी छोड़ दो hmm. चल एक और कहानी सुनाता हूँ भाई एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया लड़का था बनिया मारवाड़ी फैमिली और लड़की थी पंजाबन hmm. मेरी क्लाइंट लड़की है hmm. तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में वो सबसे सुंदर लड़की थी और लड़का फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं था थोड़ा सा मोटा था हाइट छोटी थी लेकिन वो उसको बहुत स्पेशल फील कराता था तो लड़की ने भी हा कर दी और लड़की का एक ब्रेकअप भी हो गया था मतलब छोटा ही था स्कूल ट्वेल्थ वाला ब्रेकअप था कोई बड़ा नहीं था okay. कॉलेज में उसने हाँ कर दी वो स्पेशल फील कराता था वो तो लड़का बहुत सक्सेसफुल होता गया hmm. जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई और बनिया मारवाड़ी फैमिली लिखा था तो फैमिली इन्फ्लुएंस भी था अच्छे कांटेक्ट्स भी थे वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए दुबई hmm. मैरिज हो गई बच्चे नहीं हुए थे तो लड़का एक दिन लड़की को कहता नाउ ही इज इन अनदर लेवल मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से हाई क्लास से अब उस लेवल पे है जब वो पैसा गिन ही नहीं सकता hmm. इतना पैसा है अपनी वाइफ को कहता मैम जब आपको मैंने पसंद किया था तो मैं दिल्ली के छोटी सी जगह में रहता था तो मेरे पास सबसे बेटर ऑप्शन आप थे आज फॉर मैं फिजिकल लस्ट मैं शादी को ओपन करना चाहता हूँ लेकिन मैं तेरे को धोखा नहीं देना चाहता हाथ जोड़ के उसने बात की तो लड़की पहले तो टूट गई वो कहते वो कहते वो कहता मैं ओपन तो करूंगा ही अब तू बता करना क्या है hmm. और वो रोने लग गए तीन चार साल शादी को हो गए थे अब वो रीसेटलमेंट के लिए कैसे मान जाए क्योंकि वो फिर लड़कों का इमोशनल क्वेश्चन लेवल पहले बहुत हाई होता है और आफ्टर गेटिंग अ गर्ल लो हो जाता है और लड़कियों का अपोजिट चलता है लड़कियों का अपोजिट चलता है तो मेरा इतने पांच सालों से रिसर्च के बाद मेरा बड़ा हम्बल सा एक रिक्वेस्ट कह लो या कुछ है कि एक लड़की को 25 26 साल तक सेटल हो जाना चाहिए हम इसीलिए पहले शायद कहा जाता था कि अर्ली मैरिज बेटर होती है होती है अर्ली मैरिज चाहे बेटर ना हो लेकिन मतलब आई हैव सीन वेरी मैं गर्ल्स के मामले में बता रहा हूं मतलब मैं पहले इतना सोचता नहीं था लेकिन देखो होता पता क्या है क्या बंदा मैच्योर होता है धीरे-धीरे मेरे मेरी एक कज़न सिस्टर के साथ भी कुछ इस टाइप की डिवोर्स वाली चीज़ हुई है अब वो रीसेटल नहीं कर पा रही ट्रॉमा की वजह से hmm. और मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं जो इस चीज़ से अब निकल रहे हैं जो मानते थे एक आधे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसकी सिस्टर का भी डिवोर्स हुआ था ओके okay. तो गर्ल्स आर सफरिंग मोर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक सर आ, हमने बर्थ चार्ट्स की बात की थी नहीं ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ओके okay. अगर इससे पांच सात लड़कियां भी मतलब थोड़ा सा हुँ. क्योंकि ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ ना ये सिचुएशन इस समय बहुतों के साथ है हुँ. मेरा आर्काइव तो बड़ा भरा पड़ा है मैक्सिमम ऐसे केसेस फिफ्टी परसेंट तो है ओके okay. ये बहुत बड़ा कि ऐसा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म राइट बट इसे आप एस्ट्रोलॉजिकली uh, ठीक कैसे कर सकते हैं मतलब लोग आपके पास में <coughs> कंसल्टेंसी किस चीज का लेनाते हैं इन पर्टिकुलर इन केसेस के साथ जब मेरे को ना आज तक एक ही आदमी ने रिवर्स नेगेटिव बोला है hmm. वो लेडी थी उसको मैंने कहा था रीसेटल्ड हो जा और वो जब रीसेटल्ड हुई उसका वो भी खराब हो गया फिर मैंने रिसर्च की कि वो खराब क्यों हुआ बेस्ट हजबेंड्स इन दिस वर्ल्ड आर आई दर बॉल्ड आई दर फैक्ट्रे मैं नहीं भगवान की कसम खा के कह सकता हूं। भगवान ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैं ये सारे वो बनाता हूँ अपना रिसर्च करता हूँ भगवान की कसम खा के कह सकता हूँ hmm. लड़के अगर सुपर सक्सेसफुल हैं या सुपर स्मार्ट हैं या सुपर वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे hmm. और अगर आपको सामने वाला द बेस्ट हजब आर आइदर फैट ओके ये मेरी अपनी एक रिसर्च है hmm. तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ अपनी फैमिली में भी हर हर फैमिली में कोई ना कोई केस होता है hmm. और जब वो बंदा सुपर सक्सेसफुल हो जाता है वो दो कौड़ी का बनिया पैसे कमाने के बाद अपनी बीवी को बोलता है कि मैंने ओपन रिलेशनशिप करनी है आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ मैरिज ठीक है जस्ट बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी अ क्या वर्ड बोलते हैं सुगर डैडी hmm. अगर अफोर्ड नहीं कर पाता तो राइट right. जो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं वो पैसे की वजह से ना अच्छा बेटा बन पाया उन्हें अपने माँ बाप को उसके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं वो कहीं और रहता है hmm. ना अच्छा पति बन पाया

पर सर कमिंग बैक टू बर्थ चार्ट्स की बात की थी पिछले एपिसोड में बट बर्थ uh, जब जन्म होता है तो हम वो कुंडली बनाते हैं uh, बहुत बहुत सारे लोग करते हैं कि वो बर्थ हो इसके लिए मैंने कई बार ऐसे किस्से सुने न्यूज वगैरह में पढ़े भी है जहाँ पे एक माँ को बोला जाता है कि कंट्रोल करना है वो जो मतलब बच्चा आने वाला है उसे शायद एक दो दिन के बाद उन्हें अट्रोसिटी फेस करनी पड़े रियल यही सेम चीज महाभारत में हुई रामायण में भी इनफैक्ट जो रावण और उसके बेटे का साथ है, तो आ, मेगनाद, मेगनाद, आ, के साथ था इंद्रजीत तो रावण प्लान मेघनाथ लेके आता है ताकि अपने बेटे का बहुत चार्ट अच्छा हो सके बट क्या है ये पूरी चीज और क्या सच में इसे हम कंट्रोल कर सकते कंट्रोल वर्ड कहना फिर गलत होगा हाँ हा, है कि अच्छे मुहूर्त में कंसीव कर सकते हैं ओके अच्छे मुहूर्त में अगर हमारे पास ऑप्शन है तो चाइल्ड डिलीवर कर सकते हैं ये तो कर सकते हैं लेकिन कि वो मल्टी वो मल्टी या बनेगा और उतना वो होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है ओके okay. क्यों ये चीज मतलब इतना ज्यादा लोगों को इससे लगाव है उसी में होना चाहिए तो उसके लिए आप बोल रहे हो एक मदर को कि <laughs> लेट डिलीवर करो एंड हो सकता है कि वो लेट का कोई डेफिनेशन नहीं है हो सकता है वो पांच दिन हो हो सकता है वो नेचर से नहीं खेलना चाहिए पर फिर भी क्यों खेल रहे लोग मतलब गाइडेंस नहीं मिल रहा है उस चीज की बात है ये मैं आपको क्या बोलूँ लड़के दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं मनी एंड सेक्स एंड मेल ईगो लोग ज्यादातर इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं राइट होना जाना कुछ नहीं है हुँ. जब मैं अभी नक्षत्र कर रहे थे ना हुँ. एक नक्षत्र अनुराधा उसका मतलब है अनु राधा राधा का पर्याव लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे लक्ष्मी के पीछे उसमें शास्त्र क्या कहता है कि अनुराधा वाले अपनी जिंदगी में बार बार फेल होते हैं बार बार गलती करते हैं क्योंकि वो ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहे या वो कुछ किसी चीज ऐसी के पीछे नहीं भाग रहे जिससे लक्ष्मी उनके पीछे भागे वो लक्ष्मी के पीछे भाग रहे लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी आप रिसर्च करो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो कि पूरी दुनिया से उसकी लाइफ पूरी दुनिया की लाइफ इजी हो जाए उससे तो लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी या हम लक्ष्मी के पीछे भागोगे हाँ आई थिंक सो हर प्रोडक्ट जो लाइफ चेंज कर सकता है उसमें तो मतलब लक्ष्मी आ ही जाती है कैसे ना कैसे मैंने अपनी जिंदगी में मैं टेस्टिमोनियल्स ऑफ क्लाइंट्स नहीं डालता लोग दबा दबा के डालते हैं तो इसका क्या मतलब मेरा कोई हाँ। नहीं है अगर मैं अपने आपको जेन्यस्ट्रोलॉजर कह रहा हूं ना मैं लेट जरूर कर देता हूँ प्रॉब्लम है कि मेरे को लेट करने की थोड़ी आदत है जैसे आज की दी है तो कल परसों को कंसल्टेंसी हो, हो सकता ही हो जाए लेकिन पे कोई डाउट नहीं कर सकता एंड आई चार्ज फॉर दि जेन्युन जेनुनिटी आई डों उपायस लोग कहते हैं हम आपकी फ्री में कुंडली देखेंगे और उपाय अनाप शनाप बताते हैं जो डॉक्टर कम फीस लेता है ना तो वो लैब से फीस उठा है हैं बेमतलब के टेस्ट लिख के करते हैं ना ऐसे डॉक्टर बिल्कुल बस उपाय बोले और तिथि और नक्षत्र उपाय ये क्या चीज है सिंपल है मैं चतुर्थी तिथि में पैदा हुआ अब मुझे मान लो उपाय करना है चतुर्थी तिथि के लॉर्ड है गणेश जी मैं हर चतुर्थी तिथि में ऐसा क्या करूं कि गणेश जी प्रसन्न हो मैं बच्चों को लड्डू बांट दूंगा किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को लड्डू बांट दूंगा क्या हो गया ये उपाय ओके मैं प्रतिपदा में पैदा हुआ प्रतिपदा अग्नि की तिथि है तो किसी का मान लो अंतिम संस्कार हो रहा है या किसी के घर में हवन हो रहा है कोई अच्छी चीज हो रही है कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है उसमें मैं जो सपोर्ट कर सकता हूँ मतलब मान लो उसने मेरे से कुर्सिया मांग ली या उसने मुझे बोला कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं आप गाड़ी हटा लो जो सपोर्ट कर सकता हूँ वो मैं करूंगा ओके okay. तिथि मतलब क्या होता है रामनवमी जन्माष्टमी ये अष्टमी है नवमी है प्रतिपद है एकादशी है ये मून की तिथि है ओके मून का लूनर कैलेंडर होता है उसमें तिथि चलती है अमावस्या न्यू मून है पूर्णिमा फुल मून है इसके बीच में चौदह तिथियां आती है अच्छा ओके। पहली होती है प्रतिपदा जिसको एकम भी कहते हैं द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी, द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा फिर फुल मून हो जाता है फुल मून से फिर कृष्ण पक्ष शुरू होता है फिर वर्ष से लेकर फोर्टीन तक फुल मून के बाद हम्म ओके तो ये जो मतलब तिथि पे पैदा होता है या तिथि पे कुछ हुआ हो तो उनके लिए उपाय होते हैं ओके इम्पैक्ट आता है उस देवता का इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर ओके तो सेवेंथ नवंबर कौन सी तिथि होगी आपकी हम्म अष्टमी थी अष्टमी तो मेरे लिए कौन से देवता रहेंगे शिव जी शिव जी तो मुझे क्या करना चाहिए फिर शिव जी के लिए शिवलिंग ओके okay, मतलब जो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं या वो बेल पत्र चढ़ाते हैं वैसी चीज okay. और उससे होगा क्या पर किस लिए लिए कर रहे हैं हम ये अपनी तिथि को करने के उपाय करने के लिए बट क्यों स्ट्रग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं ये जानना उसका इम्पैक्ट क्या होगा टॉलरेंस आएगी ओके okay. मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी hmm. डिफरेंट बिहेवियर कम होगा एक बंदे को डायबिटीज हो जाती है तो क्या वो उस डायबिटीज के साथ तीस चालीस साल तक जिंदा रह सकता है शायद हाँ, बट रेयर केसेस में रह सकता है, okay. कैसे? अच्छा करके hmm. और बिना डायबिटीज वाला भी जल्दी मर सकता hmm. लाइफ स्टाइल बुरा करके बिल्कुल तो आपके पास जो नरेन्ट प्रॉब्लम है उसको आप कंट्रोल करते हुए चलते रह सकते हो okay. जो सर मुझे पढ़ाते हैं उनको पिछले दस बारह पंद्रह साल से कैंसर है वो भी गले का वो आज नौ दस में डिटेक्ट हुआ था तेईस हो गया आज भी पढ़ाते हैं hmm. आज भी कंसल्ट करते हैं और आज भी बहुत एनर्जेटिक है वो सारी चीजें कंट्रोल करके चलते हैं राइट right. क्योंकि मतलब एस्ट्रोलॉजी और ये सब भी है तो साइंस ही सारी साइंस ऑकल्ट साइंसेस हमने नक्षत्रों की बात की और फिर से नक्षत्रों पे आते हैं पिछले एपिसोड में में हमने ब्रीफ में नक्षत्र क्या होते हैं वो सब पे बात की थी और इस एपिसोड में जॉब्स की जो बात थी नक्षत्रों को लेके जॉब्स नहीं प्रेफर्ड प्रेफर्ड प्रोफेशन प्रोफेशन वर्ड अच्छा रहेगा ओके okay, उनके बारे में बात करते अगर कुछ सब तो नहीं बट कुछ सिलेक्टेड आप बता सके नक्षत्रों में प्रेफर्ड प्रोफेशन क्या होनी चाहिए

एरोनॉटिक्स और ये सब बताया था नेवी हो गया हो गया बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए बड़े में प्रोडक्शन वाला काम डायरेक्टर वाला काम क्रिएटिव वर्क सारा आदरा में मंत्रास कोई भी काम जो वन मैन आर्मी कर सके जिसमें ज्यादा टीम बनाने की जरूरत ना पड़े फिलोसफी टीचिंग फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर पैरामेडिकल वाली चीजें कंसल्टिंग hmm. वाली चीजें पुनर्वसु में फूड इंडस्ट्री एडिबल ऑयल हर्ब्स और पुनर्वसु में और क्या होगा पंडित गुरु रिसाइकलिंग सिविल कंस्ट्रक्शन पुष्य में वाटर रिलेटेड फूड ग्रेन्स, वाटर प्योरीफायर स्विमिंग होलिस्टिक रिचुअल्स ओके ये सब श्लेषा में नाग है नाग hmm. जो हाइड्रा कंसल आ, वो है ना हाइड्रा कॉन्स्टिटन वही स्लेस है okay. उसमें केमिकल आएगा आएगा लाइटनिंग के काम आएंगे टेढ़े काम आएंगे प्रॉपर्टी के काम आएंगे hmm. दूसरे को नीचा दिखाने के काम आएंगे okay. डिटेक्टिव वाले काम आएंगे मगा में एंसेस्टर्स वाले काम आएंगे hmm. और ये डिपेंड भी करता है कि ये ये जो नक्षत्र है ये कौन सी राशि right. मतलब कौन सा प्लेनेट इनको रूल कर रहा है लेकिन अभी हम सिर्फ नक्षत्रों पे फोकस कर रहे हैं पूर्व फाल्गुनी में मिमिक्री डांसिंग एक्टिंग सारी क्रिएटिव फील्ड आएंगी फीमेल यूटिलिटीज से रिलेटेड चीजें आएंगी और प्लास्टिक सर्जरी इंटीरियर डेकोरेशन चाइल्ड बर्थ एंड मैरिज ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर्स कंसल्टेंट्स इसमें आएंगे उत्तरा फाल्गुनी में गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी रिफाइनरीज आएगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिस पैसे कमाना आएगा दो नंबर के इसमें काम आएंगे कंसल्टेंसी आएगी अंडरवर्ल्ड आएगा सोशल वर्क आएगा फूड फ्रेन आएंगे और वर्किंग फॉर रूरल और गवर्नमेंट आएगी ओके okay. हस्ता में ट्रेडिंग फ्रूट ग्रेन और कुछ भी क्रिएटिव जो अपने हाथों से करते हो वो आएगा hmm. चित्रा में और इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क क्रिएटिव रिलेटेड वर्क गार्डनिंग और कंस्ट्रक्शन विश्वकर्मा है ना कंस्ट्रक्शन लेकिन hmm. चित्रा वाले थोड़े आलसी होते हैं ओके। okay. स्वाति में ऑल दी गैसेस एयर है ना स्वाति ऑल दी गैसेस जो भी गैस पंचर लगाने वाला भी स्वाति नक्षत्र वाला हो सकता है और हाइड, हाइड्रोजन को फ्यूल बनाने वाला भी स्वाति नक्षत्र का हो okay. सकता है तो स्वाति नक्षत्र वाला नहीं पंचर लगाने वाला ही होगा हाइड्रोजन को जो फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है वो भी स्वाति नक्षत्र गैस जिसमें है, बहुत हैवी मात्रा में यूज हो रही right. विशाखा में कंज्यूमेबल्स मार्केट्स कॉमोडिटीज ये सब आता है और आप फादर का काम ना करो तो अच्छा रहता है ओके। okay. विशाखा hmm. में पॉलिटिक्स यूनियन री यूनियन, और uh, मैच मेकिंग टेड़े काम hmm. लाइजनिंग के काम नाइट ड्यूटी वाले काम अकल्ट फील्ड्स, मिस्टिक फील्ड्स hmm. ये सब आते हैं hmm. मूल में मेडिसिन, मेडिकल फैक्ट्स, अंदर तक जाना तय तक जाना इन्वेस्टिगेशन नेचर वाला जो पोस्टमार्टम करते हैं ये सब मूल में आता है okay. उत्तरा साड़ा में सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है hmm. और आदान प्रदान आता है चीजों का मतलब ट्रेडिंग वगैरह आप कह सकते हो पूर्वासाड़ा में उत्तरासाड़ा में राइटिंग और एलिफेंट व्हीकल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं hmm. तो ऐसे ऐसे करके आप सारे नक्षत्र बता सकते हो okay. सतविशा में भी डॉक्टर आता है hmm. को बोला ना, बोलने से रिलेटेड हाँ. जो काम है या या सुनने से रिलेटेड जो काम है ऑरेटर हो हो गया गया क्लब चलाना हो गया, फाइको आप समझो ऑल मेडिकल फील्ड और रिसर्च है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है से रिलेटेड है किसी भी चीज से गाइडेंस से रिलेटेड है okay. So, uh, एक जो चीज मुझे पूछनी है यहाँ पे hmm. तो बेसिकली uh, हम कुंडली वगैरह जब बनाते हैं तो आपने जैसे कहा कि कुंडली के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं hmm. आई uh, ये क्वेश्चन पूछने के बाद में कैसा लोगों का रिएक्शन होगा बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वॉन्ट टू आस दिस कुंडली देख के कोई ये भी बता सकता है कि वो बाइसेक्चुअल होगा गे होगा लेस्बियन होगा होगी मतलब ओके okay. कैसे मतलब कोई क्या ट्रेट ऐसा दिखता है एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ लेकिन आपको पता नहीं समझ आए ना समझ आए मार्स वीनस डी वन में मतलब डी वन होता है लगन चार्ट उसी का एक सब चार्ट होता है डी नाइन नवमांश चार्ट और उसी का एक सब चार्ट होता है डी थर्टी इन तीनों में मार्स वीनस की युति बनती हो मतलब कॉम्बिनेशन बनता हो और इन तीनों इन तीनों के जो लगन्स हैं वो मार्स या वीनस के हों मतलब जो असेंडेंट लॉर्ड है या तो या तो तो मार्स रूल रूल करता करता ये योग बनता है okay. का techno, वो, वो का टेक्नो वो और, और पोर्नोग्राफिक वाले योग भी बनते हैं इम्पोर्टेंसी के योग भी है? बनते है okay. इस कॉम्बिनेशन से, नहीं? हाँ, मतलब बहुत कौम्णेशन, कौम्णेशन okay. से और

अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के के पास पास ज्यादा लोग नहीं होते मैं तो 210 एस्ट्रोलॉजर हाँ। okay. हाँ, <laughs> <थी। laughs> छोटी सी बात की थी हमने ज्यादा उस चीज पर डिस्कस नहीं किया था आ, दो हजार वाली बात कि 2026 में वॉर जैसे सीनारियोज आ सकते हैं वर्ल्ड वॉर थ्री भी शुरू हो सकता है अगर वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है वाया एस्ट्रोलॉजी या भविष्य मालिक है जो भी वो था क्यू इलेक्शंस या किसी चीज के किसी मैच के रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्यों नहीं प्रेडिक्ट जा जा सकते किए हैं ओके स्टॉक मार्केट भी कुछ हद तक की जा सकती है uh, कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे आप मैंने मैचेस का रिजल्ट्स तो किए लेकिन रिसर्च चल रही है उसमें okay. uh, लेकिन एग्जाम्पल अभी बहुत ज्यादा काम नहीं किया है तो देना कोई अभी लाइव okay. को नहीं नहीं। uh, uh, मतलब टीम जीतेगी नहीं जीतेगी ये किस बेसिस पर प्रेडिक्ट होता है क्योंकि चार्ट नक्ष, नक्षत्र पर कैसे नक्षत्र बनेगा क्योंकि ये तो कोई बहुत, ऐसी बहुत मुश्किल है ओके लेकिन हो सकता है

पर ऐसा होता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ ऑफ द डे वो अच्छा है और उसके बाद में नहीं है अच्छा पर क्यों किस बेसिस पे मतलब अच्छा बुरा है ये किस बेसिस पे बहुत सारे बेसिस है बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट है जो तुम्हें नहीं पता और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी हम्म कृतिका नक्षत्र और अष्टमी एक ही दिन में आते हैं ओके अष्टमी तिथि चल रही होती है सुबह हाँ। कृतिका होती है शाम को रोहिणी होती है कृतिका नक्षत्र और अष्टमी का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको ज्वालामुखी योग कहते हैं अच्छा अब ज्वालामुखी योग से क्या समझ आ रहा है ज्वालामुखी मतलब शायद नेगेटिव ही समझ आ हाँ, रहा है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन जब रेखा 10 अक्टूबर को पैदा हुई थी तब एक विश कन्या योग बनता है और एक और मैं लेडी को जानता हूं रेखा मतलब वो जो बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की एक्स गर्लफ्रेंड ओके

सब कुछ ओके। okay. तो ट्रू और फॉल्स की तो इसमें कोई बात ही नहीं है ये किया और मेरे को मिला नहीं ये किया, उसको मिल गया मैं तो बता रहा हूँ बहुत परे ओके okay. क्योंकि मैंने बहुत से बार देखा है कि लोग वो चार्ट्स वगैरह बनाते है खुद के देखने के लिए कि कौन से उनकी जो जो भी मतलब लाइफ पार्टनर होगा उनका या उनकी वो उसके नाम का फर्स्ट वर्ड क्या होगा उनके ट्रेड्स क्या होंगे ये सब खेलना, देखने के लिए बट वो <laughs> सच नहीं होता सारे बहुत इंटेलिजेंट है आज की डेट में लेकिन एक छोटी सी बात नहीं कर पा रहे उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ में आपको ये मान के चलना है कि एक्सेप्टेंस आप में होना चाहिए द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ सर और कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट बी अवेयर मेरे से पढ़ रहे हो अगर कोई मेरे से पढ़ता है तो कोई भी चीज इलॉजिकल लगती है तो वहीं छोड़ देना नॉन साइंटिफिक लगती है तो वहीं छोड़ देना वहीं किताब फाड़ देना लेकिन <laughs> इन सब चीजों के लिए अवेयर हो जाओ और अपने आप को

जय श्री राम जय श्री राम सर